नादौन उपमंडल की ग्राम पंचायत फतेहपुर में मकान कार्य में बेवजह रुकावट करने का मामला सामने आया है। मकान में तारो देवी और उसका एक नाबालिग पोता उनके साथ रहता है। मकान कच्चा होने के कारण गिरने की कगार पर है और मकान का कार्य पंचायत के सहयोग से नए मकान के लिए शुरू किया जा रहा है। मकान का काफी हिस्सा गिरा दिया गया है। अब वृद्धा तारो देवी का एक बेटा मकान बनाने में अड़चन पैदा कर रहा है। इस कारण बीते 5 महीने से वृद्धा व पोता एक शेड में जीवन काट रहे हैं। वृद्धा महिला तारो देवी ने बताया कि वे गांव डाकघर फतेहपुर की निवासी हैं। महिला ने बताया कि उसके 3 पुत्रों में से सबसे छोटे पुत्र की मृत्यु हो चुकी है, जिसका कि नाबालिग बेटा ऋतिक उनके साथ रहता है। उनके पोते ने पंचायत में मकान निर्माण के लिए आवेदन किया था। पुराने मकान को हटाने पर नया मकान बनाने के लिए आवेदन किया, इसे लेकर मकान को हटाने का कार्य शुरू कर दिया गया, लेकिन उसका एक बेटा और बहू निर्माण कार्य में अड़चन पैदा कर रहे हैं, जिससे उन्हें खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। महिला ने बताया कि उसके दोनों बेटों ने अपने अलग अलग मकान बना लिए हैं, ऐसे में अब नाबालिग पोते की भूमि को हड़पना चाहते हैं। इसी के चलते आज उन्होंने हमीरपुर उपायुक्त देवश्वेता बनी को इस मामले के संबंध में ज्ञापन सौंपा और जल्द से जल्द न्याय की मांग की है। पंचायती क्या बोल रहे हो? पंचायती भी बोले पहला नंबर चौड़ा पांगे है क्या? अब तक बोले साल लग सकता है, 2 साल अगले है। गड्डिया बोलते पे जनाना ना चली जाना, ताले लगी आने फिर यहाँ सामान भी है थोड़ा मोटा, कहा कुतु रख गए कुतु रहेंगे। तो खर्चा वर्चा कैसे करते कहीं? खर्चा करते है जेडी पेंशन मिलती महीने पर खर्चा करना को नहीं करना खर्चा, राशन पानी डिपू में मिलता है कोई करे पूजा 500 आई जाता है। रहने वास्ते मकान नहीं है? नहीं है जी। बड़े बच्चे है नहीं करते तुम्हारी हेल्प करना? क्या करनी जिसकी है बीमार जाएंगे कितने सालों से रह रहे हैं? सरकार ने क्या सहायता की अभी तक? और उसने की है तो सरकार से सहायता मांगी अभी तक? नहीं अभी यहाँ पे आए हैं तो क्या क्या सहायता लेके आए हैं? एप्लीकेशन क्या उम्मीद लेके आए हैं? हमारे मकान है